हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं इस संतोष कंपनी के टीवी को। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या फॉल्ट है ये आपको आगे पता चलेगा, और बहुत ही अच्छा फॉल्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी जानकारी इस वीडियो से आपको मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो टीवी है ये चलते चलते दोस्तों इसका स्क्रीन छोटा हो जाता है, छोटा होने लगता है, और उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। एक पतली सी हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाता है, और कुछ देर में ये स्क्रीन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ा फैलने की कोशिश करता है। इस तरह से देखिए, ये हल्का सा फैल रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से फैलता नहीं है। कुछ देर ऐसा ही चलता है, उसके बाद अपने आप कभी कभी ये ठीक हो जाता है, इसका पूरा स्क्रीन सही हो जाता है। तो कुछ इस तरह का इसमें फॉल्ट है दोस्तों। इसमें 10 मिनट, 5 मिनट या 2 मिनट इस तरह से चलने के बाद ये इसका टीवी स्क्रीन अपने आप छोटा होने लगता है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। तो ये इसका फॉल्ट है। इसमें क्या कंपोनेंट की कौन सा सेक्शन ख़राब है, इसको वीडियो में हम जानेंगे और स्टेप बाय स्टेप तरीके से रिपेयर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए दोस्तों, वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉल्ट होने वाला है। तो ये है इसका फॉल्ट दोस्तों, और ये देखिए इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें आ रहा है, और कुछ देर चलने के बाद ये ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाता है, बिल्कुल सही चलता है इसका स्क्रीन। और कुछ देर चलने के बाद ऑटोमेटिक स्क्रीन इसका छोटा होने लगता है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो टीवी को दोस्तों हमने खोल लिया है, और इसको कैसे रिपेयर करेंगे चलिए जानते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी इस समय ये टीवी स्क्रीन इसका बिल्कुल सही है। 2-4 मिनट या कभी कभी आधे घंटे तक इसका स्क्रीन सही चलता है, उसके बाद इसका स्क्रीन छोटा होने लगता है और हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अभी स्क्रीन फुल साइज़ में है, तो इसके वोल्टेज अभी किस प्रकार से आ रहे हैं उसको चेक कर लेते हैं। अभी सही कंडीशन में देखिए दोस्तों कितना वोल्टेज आ रहा है। 110 का बिल्कुल सही है, 26 वोल्ट भी सही है, 11 वोल्ट भी सही है, और 17 वोल्ट आ रहे हैं। तो लगभग सभी वोल्टेज यहाँ इसके सही हैं। और यहाँ पर रेगुलेटर पर देखते हैं वोल्टेज, ये देखिए रेगुलेटर पर भी दोस्तों देखिए यहाँ पर 9 वोल्ट के करीब आ रहा है रेगुलेटर में, और इसमें ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके आउटपुट में कितना वोल्ट आ रहा है, उसको एक बार फिर से हम देखते हैं। इसमें अभी 4.7 वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट के करीब ही आ रहा है, और ट्यूनर पर जब स्टैंड बाई होकर रिलीज़ होता है तो यहाँ पर भी 4.67 के करीब आ रहा है। तो अभी ये ऑन कंडीशन में है, और पूरी तरह से सही कंडीशन चल रहा है। हालांकि 5 वोल्ट में सप्लाई में थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन अभी देखते हैं यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है वो वर्टिकल सेक्शन का नहीं, क्योंकि वर्टिकल सेक्शन में आईसी में भी वोल्टेज इसकी बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, सप्लाई इसका एसी सप्लाई भी यहाँ पर सही है। इसी सप्लाई को देखते हैं, अभी 230 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि पावर सप्लाई अगर वोल्टेज कम बनाता है तो भी इस तरह फॉल्ट हो सकता है, या कहाँ का फॉल्ट है इसको हमें चेक करना है। तो ये देखिए कैपेसिटर पे भी 300 वोल्ट पूरे आ रहे हैं, यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है सप्लाई, और आउटपुट में भी इसके सभी वोल्टेज सही हैं। और यहाँ पर देखिए 180 वोल्ट में भी 178 आ रहा है, तो सभी वोल्टेज इसके सही आ रहे हैं। यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई में हल्का सा इसमें कमी देखने को मिल रहा है। ये देखिए अब ये इस कंडीशन में है, जब इसका स्क्रीन धीरे धीरे छोटा होने लग रहा है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट हो गया। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में ये वोल्टेज कैसे रहते हैं इसको हमें अभी चेक करना है, तभी हमें पता चलेगा कि फॉल्ट कहाँ आ रहा है। इसी तरह से दोस्तों, ये चाहे संतोष कंपनी का या कुछ भी कंपनी का टीवी सेट हो, उसको बेसिक्स अभी जितने भी वोल्टेज हैं दोस्तों सबको चेक कीजिए ऑन कंडीशन में, सही कंडीशन में क्या वोल्ट आ रहे हैं। उसके बाद जब फॉल्ट आ रहा है तब इसके वोल्टेज चेक कीजिए, कहाँ पर वोल्टेज हमें फ़र्क मिल रहा है, इसको
आपको चेक करना है, चाहे कोई भी कंपनी का टीवी हो, आप इस तरह से रिपेयर करोगे तो बिल्कुल आसानी से इसको ठीक कर लोगे। तो दोस्तों ये चलते चलते हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन अक्सर वर्टिकल सेक्शन से रिलेटेड होता है, वर्टिकल सेक्शन की ख़राबी से ये फॉल्ट आता है। लेकिन इस टीवी में दोस्तों ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट होगा तो वो सीधा एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, इस तरह से धीरे धीरे होके स्क्रीन छोटा होके हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट नहीं करेगा। और इस तरह से देखिए ये लगभग थोड़ा थोड़ा जंप करने को करता है इसका स्क्रीन, तो इस तरह से ये फॉल्ट वर्टिकल सेक्शन में नहीं आता, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह का। तो वोल्टेज चेक कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि ये फॉल्ट कहाँ से आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको रेगुलेटर सेक्शन के वोल्टेज चेक कर लेना है और बाकी सभी वोल्टेज को भी चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जो 5 वोल्ट रेगुलेटर है, इस पर देखिए इसके वोल्टेज में वेरिएशन आ रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, 2.8, 2.9, 3.15, 3.7, ये देखिए इस तरह से इसका वेरिएशन आ रहा है, इसमें इसका फ्लक्चुएट हो रहा है वोल्टेज। यहाँ पर 5 वोल्ट हमें फिक्स मिलना चाहिए, और देखिए ट्यूनर पे भी ये देखिए 4 point something मिल रहा है, उसके बाद देखिए 3.5 और कितना हुआ 1.8, 3.9। तो ये देखिए वोल्टेज इसके पूरे नहीं बन रहे हैं, 5 वोल्ट जो सप्लाई है रेगुलेटर सेक्शन का वो पूरा नहीं बन पा रहा है। तो सबसे पहले हमें इसके वोल्टेज को सही करना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगा है, तो ये है 4.5, कभी 3.5, कभी 1.7, इस तरह से वोल्टेज बन रहा है, मतलब पूरा वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो दोस्तों जब तक ये वोल्टेज हमारा सही नहीं बनेगा, 5 वोल्ट सप्लाई ये मेन आईसी को जाता है, हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है, और ट्यूनर को जाता है, और भी कई जगह को ये जाता है, जब तक ये सप्लाई सही नहीं होगा तब तक टीवी में कुछ ना कुछ फॉल्ट इसमें बनेगा। ये देखिए इसके इनपुट में तो वोल्टेज सही आ रहे हैं, लेकिन ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, फिक्स इसका 5 वोल्ट नहीं रहता है, ये देखिए। तो दोस्तों हमें फॉल्ट मिल गया है, 5 वोल्ट रेगुलेटर जो है वोल्टेज पूरा नहीं बना पा रहा है, जिस कारण से इस तरह का इसमें फॉल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये 5 वोल्ट को सही करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा रहता है, इस ट्रांजिस्टर को हमें चेंज करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, बिल्कुल साउंड आईसी के पास में ये लगा हुआ है, और ये रेगुलेटर सेक्शन का है ये वाला ट्रांजिस्टर 5 वोल्ट का, और इसके साथ यहाँ पर 9 वोल्ट का रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो दोस्तों जल्दी से इस ट्रांजिस्टर को हम चेंज कर देते हैं, और इसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे एक और ही इंटरेस्टिंग नॉलेज बताएंगे। ये देखिए ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, इसका नंबर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर 2655C2655 इसका नंबर है दोस्तों। तो ये जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों, इसकी जगह पे आप सेम नंबर का ट्रांजिस्टर तो यूज़ कर ही सकते हो, लेकिन इसकी जगह पे आप 3807 ट्रांजिस्टर का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो अधिक एम्पेयर का होता है और उसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो देखिए दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर आपको शॉर्ट नहीं दिखाएगा, ना ही ओपन दिखाएगा, बिल्कुल सही कंडीशन में मल्टीमीटर से दिखाएगा, लेकिन ये जो इसके वर्किंग कैपेसिटी है वो घट जाता है। ये देखिए बिल्कुल पीएनपी ट्रांजिस्टर है और बिल्कुल सही दिखा रहा है। इसकी जगह पे आप पीएनपी ट्रांजिस्टर 3807 को यूज़ कर सकते हो, सेम इसका पिन कनेक्शन रहेगा। और इसी तरह से दोस्तों, आप और भी अधिक एम्पेयर के जो ट्रांजिस्टर है उसको यूज़ कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो 3807, ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगाने के लिए बहुत ही बेस्ट है दोस्तों। तो इसी को हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि इसका जो
काम करने का जो तरीका है, मतलब इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा है। तो ये ट्रांजिस्टर हम यहाँ पर लगा देंगे। और कुछ ट्रांजिस्टर ऐसे होते हैं दोस्तों, लेकिन उसका पिन का जो कनेक्शन है, बेस कलेक्टर एमिटर आगे पीछे होता है, तो उसी हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर 2655 और 3807 ये दोनों पावर सप्लाई में, ट्रांजिस्टर वाले जो पावर सप्लाई दोस्तों उसके अंदर ये बहुत ही यूज़ होता है, आपको तो पता ही है। और ये दोनों एक दूसरे की जगह पे लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 3807 का ही उपयोग करेंगे। तो जल्दी से दोस्तों हम ट्रांजिस्टर लगा देते हैं, उसके बाद देखते हैं वोल्टेज में कितना फ़र्क पड़ा है। दोस्तों अब देखते हैं इसका वोल्टेज कितना बन रहा है। यहाँ पर देखिए इसका प्रिंट ब्रेक हो रहा था, तो यहाँ पे हमने छोटा सा जम्पर वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अभी यहाँ पर देखिए 4.9, ये देखिए 4.9 कितना ज़्यादा यहाँ पर वोल्टेज इम्प्रूव हुआ है। पहले यहाँ पर दोस्तों सही कंडीशन में भी 4.5 समथिंग यहाँ पे वोल्टेज आ रहे थे, और जब ख़राब हुआ तो बहुत ही कम हो गए थे वोल्टेज। अब देखिए यहाँ पे लगभग पूरे 5 वोल्ट यहाँ पर बन रहे हैं। ये देखिए ट्यूनर पे भी हम इसको वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो 5 वोल्ट दिखा रहा है, और ये रेगुलेटर के आउटपुट में भी बिल्कुल 5 वोल्ट मिल रहा है हमें। तो इसी तरह से दोस्तों आप चेक करके रिपेयर कर सकते हो इस तरह के फॉल्ट को। दोस्तों जब टीवी का स्क्रीन चलते चलते अपने आप छोटा होने लगे और हॉरिजॉन्टल लाइन आए, तो आप वर्टिकल सेक्शन में इसको, इस फॉल्ट को बिल्कुल भी नहीं ढूंढेंगे। सबसे पहले आपको रेगुलेटर सेक्शन के वोल्टेज चेक करना है, और इसी तरह से दोस्तों आप ट्रांजिस्टर को चेंज करके इस फॉल्ट को क्लियर कर सकते हो। टीवी बिल्कुल सही चल रहा है दोस्तों, इसका वोल्टेज भी सही हो गया। तो इस तरह से आप दोस्तों टीवी को रिपेयर कर सकते हो बहुत ही आसानी से, स्टेप बाय स्टेप तरीके से। इस तरह से दोस्तों आप ट्रांजिस्टर की जगह पे दूसरा ट्रांजिस्टर भी 6 एम्पेयर का, अधिक एम्पेयर का यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फॉल्ट्स को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।